से वापसी लौटे थे और किसी एक होटल में हम लोग रुके थे, बट वहाँ पे मैंने शूटिंग वगैरह नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी ऊपर से नीचे उतरने में। चढ़ते टाइम तो हम लोग खच्चर से गए थे और उतरते टाइम हम लोग पैदल ही उतरे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और थकावट की वजह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। और उसके बाद हम लोग रात में विश्राम किए और फिर हमने सोचा कि दिल्ली की तरफ निकलते हैं, लेकिन हमने सोचा जब केदारनाथ हो ही लिए हैं तो पड़ोस में बद्रीनाथ भी है, क्यों ना वहाँ पर भी दर्शन कर लें। तो आज हम बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं घर से, तो होटल रूम से, और अभी रास्ते में है तो रास्ते में मुझे एक बढ़िया सी लेक सामने से आती हुई नज़र आई और मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए और बता दिया जाए कि अब हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ और देखते हैं वहाँ का रास्ता कैसा है और बद्रीनाथ मंदिर कैसा है, पहली बार जा रहे हैं। चलिए में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो नज़ारा है से यहाँ पर दो नदियों का मेल हो रहा है संगम है और कर्णप्रयाग के बीच बीच पे हम लोग खड़े हैं। We'll be right back.
बद्रीनाथ हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 7:40। लेट होने के कारण मंदिर के कपाट क्लोज हो चुके हैं। अब मंदिर के जो है दर्शन, मंदिर हम लोग सुबह दर्शन कर पाएंगे प्रभु के, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है हम लोगों को। और मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि निगाहों से हट नहीं रहा एकदम, बिल्कुल दिल करता रहता है पूरा दिन बैठ के यहाँ पे देखते रहो मंदिर को, इतना खूबसूरत मंदिर है। देखिए इतना लाइटिंग, इतना अच्छा है इसमें मंदिर में किया गया है। और साथ में नाइट का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पे नीचे अलकनंदा रिवर, और रिवर के साथ में एक छोटा सा कुंड भी है जहाँ पे गर्म पानी का सोता है। बैक साइड से कुछ ऐसा है पीछे मंदिर के फ्रंट साइड में, और वो ब्रिज है अलकनंदा नदी पे। मिलते हैं आप सीधा होटल रूम में। अभी हम होटल रूम में हैं, सुबह हो गई है, रात को मैंने कोई भी शूट नहीं किया अभी। और रूम की हालत कुछ इस तरह से हुई पड़ी है। अच्छा था, यहाँ पे इतना मिल जाए काफ़ी है। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन को, देखते हैं वहाँ पे कैसा नज़ारा है बाहर का। यहाँ पे रास्ते का व्यू है ये, और बस यहाँ से नीचे उतरेंगे लेफ्ट में और सामने ही मंदिर के दर्शन होने लगेंगे। नाइट व्यू तो आपने देख ही लिया है, अब सुबह का व्यू कैसा है चलिए देखते हैं। ये यहाँ की मार्केट का रोड है, और मार्केट कुछ इस तरह से है। Thank you.